देखो, तो लास्ट क्लास में एक्चुअली जो लोगों ने डिस्कस किया था ना एलसी सर्किट ऑसिलेशन में, एक ही एग्जांपल कर पाए थे उसमें, बट उस एग्जांपल में एलसी सर्किट के कैरेक्टरिस्टिक सामने आ गए थे कि एलसी सर्किट, वो भी आइडियल एलसी सर्किट की बात हो रही है। तो एलसी सर्किट्स में हम लोगों ने मतलब प्रीवियस वाली क्लास के थ्रू इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक समझ में आए थे कि अगर आप इसमें रेजिस्टेंस को जीरो मान लो, कंसिडरिंग आर इक्वल टू जीरो, और यही हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि अगर हम उसमें रेजिस्टेंस को जीरो एज्यूम करें, तो पहला पॉइंट है टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व कराओगे, विच मीन्स एनर्जी ऑफ कैपेसिटर प्लस एनर्जी ऑफ इंडक्टर, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर प्लस एनर्जी ऑफ इंडक्टर, ये दोनों का सम लिखे अगर, तो ये टोटल वैल्यू हमेशा कॉन्स्टेंट होनी चाहिए और इक्वल टू द इनिशियल एनर्जी होनी चाहिए। जितना सर्किट में टाइम टी इक्वल टू जीरो की एनर्जी होगी उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अब जो क्वेश्चंस करेंगे वो सब्जेक्टिवली नहीं करेंगे, अभी हमें ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चन करने हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कुछ पॉइंट्स होने चाहिए सर्किट के। लास्ट क्लास में हमने सब्जेक्टिव अप्रोच डिस्कस कर दिया था कि ऑसिलेशन आते हैं, जो चार्ज और करंट था उनके जो इक्वेशंस आई थी वो SHM टाइप आई थी, साइन फंक्शन में या फिर कॉस फंक्शन में, ठीक है? तो वो एक सब्जेक्टिव था, लेकिन बार बार तो सब्जेक्टिव अप्रोच नहीं लगा सकते ना आप, क्वेश्चंस भी करने हैं एग्जाम में भी, तो उसके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स होने चाहिए। तो अब इसको ध्यान से देखना है, अदरवाइज फिर क्या होगा, अभी कोई टेस्ट होगा तो उस टेस्ट में आप लोग फिर परेशान हो जाओगे। तो एलसी में एनर्जी ऑफ कैपेसिटर प्लस एनर्जी ऑफ इंडक्टर इज कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट की वैल्यू इनिशियल एनर्जी के इक्वल। और दूसरा पॉइंट जो आप फॉलो करोगे वो ये, दूसरा कुछ बेसिक्स है, सम बेसिक्स, और वो बेसिक्स कैलकुलस की बेसिक्स हैं, जैसे कि करंट को आप डिफाइन करते हो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना? तो कुछ बेसिक्स ऐसे हो सकता है कि व्हेन क्यू इज ए मैक्सिमम, कुछ इस टाइप के बेसिक पॉइंट्स जो कैलकुलस से आएंगे कि अगर क्यू मैक्सिमम है तो मैक्सिमा और मिनिमा की प्रॉपर्टी लगाते हुए आप कह सकते हो कि उस टाइम पर स्मॉल आई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, इस टाइप की चीजें लगा सकते हैं। मतलब ये कुछ इस तरीके के पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे। और तीसरा पॉइंट, अगर पिछली बार का डिस्कशन याद करो आप, लास्ट क्लास का, है ना, जो रिजल्ट आया था, तो जो करंट और चार्ज की इक्वेशंस आई थी उनमें एक में साइन का फंक्शन आया था और एक में कोसाइन का फंक्शन आया था, एक साइन वाला फंक्शन था एक कोसाइन वाला फंक्शन था, तो उसके थ्रू आप ये कहोगे कि जो ऑसिलेशन ऑफ चार्ज क्यू है और ऑसिलेशन ऑफ करंट आई, ऑसिलेशन ऑफ क्यू एंड ऑसिलेशन ऑफ करंट स्मॉल आई, इन दोनों के बीच में एक फेज डिफरेंस मिलेगा हमें इक्वल टू पाई बाय टू का, बिकॉज एक अगर यहां पर साइन की इक्वेशन आएगी तो यहां पर कॉस की इक्वेशन आएगी, और वाइस वर्सा भी हो सकता है कि यहां पर साइन की इक्वेशन हो यहां पर कॉस की इक्वेशन हो। तो एक बार देख लो पुराने वाले नोट्स में, लास्ट क्लास के जो नोट्स है ना वहां से कंपेयर कर लीजिएगा। तो ये दो तीन पॉइंट्स हैं जिनका यूज करेंगे, और चौथे नंबर पर लूप इक्वेशन तो हमेशा काम करेगी, लूप इक्वेशन। तो इन चारों के कम्बिनेशन से आप कैसा भी न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिवली ही सॉल्व कर सकते हो, सब्जेक्टिव भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। चलो एग्जाम्पल लेते हैं इसका, लाइक प्रॉब्लम 1, ठीक है? यही चार पॉइंट्स यूज होंगे। अब कौन सा पॉइंट किस एग्जांपल में आएगा, किस क्वेश्चन में आएगा, वो तो न्यूमेरिकल के ऊपर डिपेंड करेगा, बट दो तीन एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ध्यान से देखिएगा इसको। फर्स्ट ये इस टाइप से एक सर्किट है, यहाँ पर वोल्टेज वी है, रेजिस्टेंस आर है, सेल्फ इंडक्टेंस एल, कैपेसिटेंस सी, और ये दो स्विचेस हैं यहाँ पर S1 S2, स्विच 1 एंड स्विच 2, ये एक सर्किट दे रखा है हमें। और पहले क्या कहा गया है कि स्विच 1 क्लोज किया गया है, इनिशियल मोमेंट पर आपसे कहा जा रहा है कि स्विच 1 क्लोज है फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्लोज फॉर लॉन्ग टाइम, और उस टाइम पर स्विच S2 अभी ओपन, स्विच S1 क्लोज फॉर ए लॉन्ग टाइम, स्विच S2 ओपन एंड द कैपेसिटर इज
अनचार्ज्ड एट दैट टाइम, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपकी. नाउ टाइम टी इक्वल टू जीरो पर हम कह रहे हैं कि टाइम टी इक्वल टू जीरो पर एस वन को ओपन करेंगे और एस टू को साइमल्टेनियसली क्लोज करेंगे. वहां पर टाइम टी इक्वल टू जीरो मानते हैं जहां पर एस वन ओपन करेंगे और एस टू को साइमल्टेनियसली क्लोज कर देंगे. पहले ये वाला क्लोज है, पहले एस वन क्लोज है फॉर द लॉन्ग टाइम एंड देन इसको ओपन करेंगे और उसी टाइम पर इस स्विच एस टू को क्लोज करेंगे. तो फाइंड में अब जैसे क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहला क्वेश्चन व्हाट इज द मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर, पहला क्वेश्चन है मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटेंस क्या होगा. सेकेंडली टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ चार्ज एंड करेंट, टाइम पीरियड ऑफ OSC मतलब ऑसिलेशन, पूरा नहीं लिख रहे हैं, OSC दैट मींस ऑसिलेशन ऑफ चार्ज Q और करंट I, ये सेकंड इक्वेशन. थर्ड इक्वेशन यहाँ पर जो थर्ड इक्वेशन है दैट एट व्हाट टाइम, अब ये सारे क्वेश्चन एक बार में नहीं आएंगे, मैं तो जानबूझ करके तीन चार क्वेश्चन एक साथ कराता हूँ, बट पेपर में कोई एक ही क्वेश्चन आएगा. तो एट व्हाट टाइम एनर्जी ऑफ, एट व्हाट टाइम द एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इक्वल टू एनर्जी ऑफ इंडक्टर, ये कुछ इस टाइप से हैं चीजें, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड. और जब ये सब हो जाएगा तो मे बी एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है प्लॉट करने के लिए कि प्लॉट अ ग्राफ ऑफ चार्ज क्यू वर्सेस टाइम टी और करंट आई वर्सेस टाइम टी, ठीक है. तो ये सारे क्वेश्चन एक बार में नहीं आएंगे, ऑब्वियसली बात है, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो चार चार पार्ट तो नहीं पूछे जाएंगे उसके अंदर. तो या तो ये मल्टी करेक्ट क्वेश्चन में आएंगे अगर चार चार पार्ट हैं, तो या तो मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन के लिए होंगे या फिर मैचिंग टाइप क्वेश्चन होंगे या फिर कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन होंगे. कुल मिलाकर के जेई एडवांस का पोर्सन हो गया ये, बिकॉज जेई मेन्स में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते. तो पहला पार्ट बताओ आप, देखो कैसे करेंगे. फर्स्ट पार्ट अगर हम बात करें इसमें सबसे पहले इसको देखो, सबसे पहले स्विच S1 इज क्लोज फॉर द लॉन्ग टाइम, इस स्टेटमेंट का मतलब S1 क्लोज फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड देन S2 वाज ओपन. इस लाइन का मतलब अगर निकाले तो इस लाइन का मतलब ये होगा कि जब ये लॉन्ग टाइम क्लोज है इसका मतलब ये सर्किट स्टेबलाइज हो चुका है और यहाँ पर एक करंट फ्लो कर रहा होगा, इंडक्टर के थ्रू एक करंट जा रहा होगा इक्वल टू वी अपॉन आर. लॉन्ग टाइम मतलब स्टेडी स्टेट आ गया यहाँ पर, तो उसमें वी अपॉन आर करके आप यहाँ पर एक करंट दिखाओगे इंडक्टर में. अब उसके बाद जब हम एस टू को बंद करेंगे तो हमारा सर्किट कुछ ये हो गया. एस टू को जब आप बंद कर देंगे तो सर्किट कुछ ये बन जाएगा, ऊपर कैपेसिटर नीचे इंडक्टर, और ये डायग्राम टी इक्वल टू जीरो के लिए होगा जिस टाइम पर इंडक्टर में कुछ करंट फ्लो कर रहा है आई, इसको आई नॉट मान लेते हैं, आई नॉट करंट, और यहाँ पर चार्ज जीरो है कैपेसिटर के पास, इस टाइम पर जीरो चार्ज है दिया हुआ है, कैपेसिटर अनचार्ज है. ये टाइम टी इक्वल टू जीरो की बात कर रहा हूँ मैं. अब आप फर्स्ट पार्ट पर आओ, मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर. तो फर्स्ट पार्ट जो कि मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर है वो ऑब्जेक्टिवली कर सकते हैं, उसके लिए किसी सब्जेक्टिव मेथड की जरूरत नहीं है. उसमें ये वाला कंसेप्ट लगाएंगे कि जब कैपेसिटर का चार्ज मैक्सिमाइज होगा, चार्ज ऑन द कैपेसिटर मैक्सिमम होगा, तो उस टाइम पर आई जीरो हो चुका होगा. दैट मींस ये वाला करंट कुछ टाइम के बाद जीरो हो जाएगा. दैट मींस करंट थ्रू इंडक्टर आई एक टाइम बाद जीरो हो जाएगा और उस टाइम पर यहाँ पर जो चार्ज होगा वो ऑटोमेटिकली एक मैक्सिमम चार्ज होगा, प्लस क्यू मैक्सिमम और माइनस क्यू मैक्सिमम. और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो करो, यहाँ पर एनर्जी इंडक्टर के पास लिखी जाएगी हाफ एल आई स्क्वायर इंडक्टर की एनर्जी, कैपेसिटर अनचार्ज है इसके पास जीरो एनर्जी हो गई, इक्वल टू यहाँ पर इंडक्टर की एनर्जी जीरो हो जाएगी, हाफ एल आई स्क्वायर जीरो हो गया, और कैपेसिटर की एनर्जी क्यू मैक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस. इससे पहला पार्ट सॉल्व कर सकते हो दैट मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर क्यू मैक्स की वैल्यू, मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर ऑब्जेक्टिवली बाय एनर्जी कंजर्वेशन, तो वो आ जाएगा हमें आई नॉट रूट ऑफ एल सी, फर्स्ट पार्ट मैक्सिमम चार्ज.
सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का जब ट्राई करेंगे, तो वहां पर पूछ रहे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो टाइम पीरियड तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी डिराइव किया था कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इक्वल्स टू 2π/ओमेगा, और एलसी सर्किट्स के केस में जो ओमेगा होता है वो 1/√LC के बराबर है। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट। थर्ड, एट व्हाट टाइम द एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इक्वल्स टू द एनर्जी ऑफ इंडक्टर। अब इसके लिए क्या करना होगा, अगर हम सर्किट को आफ्टर टी सेकेंड्स की बात करें, सर्किट आफ्टर टी सेकेंड्स मतलब इस टी इक्वल टू जीरो से टी सेकेंड्स के बाद, और उस टाइम पर अगर कहें कि सर्किट का बिहेवियर कैसा होगा, देन यहां पर हम ये एज्यूम करेंगे कि जो इनिशियल करंट आई नॉट था वो टी सेकेंड्स के बाद कुछ रिड्यूस कर गया होगा, और उसको हम स्मॉल आई मानेंगे। करंट आई नॉट से चेंज करके स्मॉल आई इन अ टाइम ऑफ टी सेकेंड्स, और अनचार्ज कैपेसिटर चार्ज हो चुका होगा, यानी यहां पर कुछ प्लस क्यू और यहां पर कुछ माइनस क्यू चार्ज डेवलप हो चुका होगा आफ्टर टाइम टी। उसके बाद आप क्या करोगे ये दो निकालने के बाद, बिकॉज यहां पर आपको सब्जेक्टिव अप्रोच पे जाना पड़ेगा, फर्स्ट टू पार्ट्स के लिए नहीं बट थर्ड पार्ट के लिए सब्जेक्टिव अप्रोच पे जाना पड़ेगा, कि इसकी लूप इक्वेशन बनाएंगे, इस सर्किट की लूप इक्वेशन। तो अगर हम इसकी लूप इक्वेशन मान लो क्लॉकवाइज सेंस में ऐसे करके चलते हैं और लूप इक्वेशन लिखे इसकी, तो उस लूप इक्वेशन के हिसाब से ये कुछ ऐसा आएगा, माइनस ऑफ क्यूब बाई सी एंड माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/C इंटू डी क्यू बाई डी टी, एक बार और डिफरेंशिएट करने के बाद प्लस एल डी टू आई अपॉन डी टी टू इक्वल टू जीरो, ये वापस वही SHM की इक्वेशन आएगी। तो चाहो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, तो आपको पहले से पता है कि आंसर SHM का ही आना है, तो पहले से भी किया जा सकता है कि यहाँ पर, और डी क्यू बाई डी टी को रिप्लेस करो, डी क्यू बाई डी टी यहाँ पर करंट होगा। अब देखना ये होता है ना, कभी कभी यहाँ पर प्लस आई का साइन होता है और कभी यहाँ पर माइनस आई आता है। तो अभी जो सिचुएशन है उसमें, अभी जो सिचुएशन है उसमें जो करंट का डायरेक्शन है, उस करंट की डायरेक्शन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ करंट, जिस तरीके से करंट दिखाई जा रही है, तो ये कैपेसिटर इस टाइम पर चार्जिंग के मोड में है, और अगर चार्जिंग के मोड में है तो फिर हम प्लस आई ही रखेंगे। अगर ये डिस्चार्जिंग का होता तो माइनस आई पुट करते, बट क्योंकि चार्जिंग है फिलहाल प्लस आई रहेगा, इस न्यूमेरिकल के लिए प्लस आई, और ये आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा डी टू आई अपॉन डी टी टू इक्वल टू माइनस 1/LC इंटू आई। ये ना वैसे भी तुम लिख सकते हो, ये आएगा ही आएगा, चाहे एलसी सर्किट का कोई भी क्वेश्चन करोगे तो ये स्टेप आना ही है उसमें। तो चाहो तो आप ये दो तीन स्टेप स्किप कर सकते हो, चाहो तो इसको हटा सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली आना यही है, पहले से पता है कि SHM आना है इसमें आप, और जब इसकी इक्वेशन आएगी तो वो प्री डिफाइंड है, सब कुछ पहले से प्री डिफाइंड है कि ये ए साइन 1/√LC ओमेगा वाला फैक्टर इंटू टी प्लस फाई नॉट, ये प्री डिफाइंड इक्वेशन है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की वर्किंग को स्किप कर जाते हैं, इतनी वर्किंग को स्किप कर जाते हैं, डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है चलेगा। वो ए और फाई नॉट निकालो टाइम टी इक्वल टू जीरो के हिसाब से, ए और फाई नॉट की वैल्यूज टाइम टी इक्वल टू जीरो के हिसाब से। तो टाइम टी इक्वल टू जीरो पर आई की जो वैल्यू थी, टाइम टी इक्वल टू जीरो कंडीशंस लगाएंगे, तो टाइम टी इक्वल टू जीरो पर आई नॉट करंट था, यानी कि करंट वॉज आई नॉट टाइम टी इक्वल टू जीरो पर, यानी टाइम टी जीरो और यहां पर आपको आई नॉट, सो आई नॉट इक्वल टू ए साइन फाई नॉट। और दूसरी कंडीशन हमेशा डेरिवेटिव की लगाई जाती है, कि टाइम टी इक्वल टू जीरो पर स्मॉल आई का डेरिवेटिव डी आई बाई डी टी। तो डी आई बाई डी टी कैसे निकालेंगे, वो यहां से देखोगे, वो आप इसे लूप इक्वेशन से देखो, डी आई बाई डी टी की वैल्यू अगर आपको इनिशियल मोमेंट पर निकालनी है, तो इनिशियल मोमेंट वाला चार्ज रखो आप यहां पर,
डी आई बाई डी टी अगर मुझे इनिशियल मोमेंट पर चाहिए टाइम टी इक्वल टू जीरो वाला, तो डी आई बाई डी टी टी इक्वल टू जीरो पर निकालने के लिए करस्पॉन्डिंगली चार्ज की वैल्यू भी टी इक्वल टू जीरो की लेंगे, और चार्ज टी इक्वल टू जीरो पर जीरो था बिकॉज कैपेसिटर अनचार्ज मोड में था, एंड दैट मीन्स की डी आई बाई डी टी की वैल्यू टाइम जीरो पर जीरो आनी चाहिए. इम्प्लाइज अब यहां से देख लो आप, इसका डी आई बाई डी टी करेंगे और उसमें टाइम टी इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, डी आई अपॉन डी टी और टी इक्वल टू जीरो, और वैल्यू जीरो आनी चाहिए. सो इट इज ए बाय रूट एल सी और कॉस ऑफ फाई नॉट. अब इन दोनों से हमें ए और फाई नॉट निकालना है. टाइम टी इक्वल टू जीरो की कंडीशन हो गई, इन कंडीशन के थ्रू मालूम चलेगा कि ए और फाई नॉट की क्या वैल्यूज हैं. तो यह ऑब्वियस है कि फाई नॉट पाई बाई टू है यहाँ पर और कैपिटल ए यहाँ पर आई नॉट. जब ये दोनों मिल जाएंगे तो नाउ इक्वेशन ऑफ करंट मिल गया. इतना थोड़ा सा टाइम लगेगा एलसी सर्किट्स में, ये स्टेप में टाइम लगेगा इक्वेशन ऑफ करंट. तो नाउ इक्वेशन ऑफ करंट हो गया आई इक्वल्स टू आई नॉट, फाई नॉट पाई बाई टू आ चुका है पाई बाई टू, तो यहाँ पर हम लोग कॉस और वन बाय रूट एल सी इन टू टी. हालांकि अगर मैं आपकी जगह पे होता ना तो मैं इसको डायरेक्ट करता, अगर मैं होता तो मैं ये सारी वर्किंग कुछ नहीं करता, मैं यहाँ पर मैं सीधा यहाँ पर डायरेक्ट आंसर पे आता. मैं डायरेक्ट आंसर पे कैसे आ जाता बता देता हूँ आपको. ये बहुत ऑब्वियस चीज है. देखो दो बातें बड़ी ऑब्वियस हैं, ये तो सब्जेक्टिवली करते रहे. सबसे पहली चीज, इस सर्किट में कोई बैटरी इन्वॉल्व नहीं है, तो अगर इस सर्किट में बैटरी इन्वॉल्व नहीं है तो ये जो आई नॉट करंट है अब इससे ज्यादा करंट कभी नहीं आने वाली. बैटरी नहीं है सर्किट में, बैटरी नहीं है, कोई पावर सप्लाई नहीं है, तो पावर सप्लाई ना होने की कंडीशन में जो करंट इनिशियल आ चुका इससे ज्यादा करंट तो अब आएगा नहीं कहीं से. इसका मतलब एक ऑब्वियस बात हो गई, मतलब एक कॉमन सेंस टाइप का कह सकते हो कि आई नॉट मैक्सिमम करंट होना चाहिए, इससे ज्यादा करंट आएगा नहीं कभी. हाँ सात्विक जी, ये बात आप थोड़ी समझने वाली है. अब धीरे धीरे अपना कंसेप्ट बिल्डिंग कराओ. सब्जेक्टिव करके देख लिया आपने, सब्जेक्टिव अप्रोच तो है ही हमारे सामने, सब्जेक्टिव तो लगाओ ही आप. बट मैं वैसे एक एप्टीट्यूड बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ. आपको ये कॉमन सेंस लगाओ कि जब इस सर्किट में कोई बैटरी नहीं है तो कोई लॉजिक नहीं बनता जिसमें आप ये कह दो कि आई नॉट से भी ज्यादा करंट कभी आएगा ना, पॉसिबल ही नहीं है आई नॉट से ज्यादा करंट आना, वो एनर्जी कंजर्वेशन को भी वायलेट कर जाएगा. सो ये ऑब्वियस है कि आई नॉट मैक्सिमम करंट, नंबर वन. नंबर टू, हमें ये भी पता है कि यहां पर ऑसिलेशंस हो रही हैं. ऑसिलेशंस हो रही हैं तो या तो आंसर में जो करंट और चार्ज की इक्वेशंस आएंगी. हाँ अंबर बिल्कुल सही कि अगर ये ऑसिलेशंस हैं तो मुझे पता है कि आंसर्स में या तो साइन का फंक्शन आएगा या कॉस का फंक्शन आएगा. ये पता आपको पहले से पता है, ऑसिलेशंस हैं तो पहले से पता है कि या तो साइन की इक्वेशन आएगी या कॉस की इक्वेशन आएगी. और क्योंकि टाइम टी इक्वल टू जीरो पर करंट मैक्सिमम वैल्यू पर है, अब आप ट्रिग्नोमेट्री से चेक करो कि जीरो टाइम पर यानी कि जीरो एंगल पर, जीरो वैल्यू पर साइन और कॉस कौन सा टर्म मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट होता है और कौन सा टर्म जीरो वैल्यू से स्टार्ट करता है. इतना तो आपको भी आइडिया होगा कि अगर हम जीरो रखेंगे और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए आपको, जीरो पर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो कॉस का ही फंक्शन होना चाहिए वहां पर, यानी कि करंट की इक्वेशन में कॉस का फंक्शन आएगा. तो बस ये दो बातें अगर आप एप्टीट्यूड बेसिस पर देख लो, एप्टीट्यूड बेसिस पर, तो इतनी वर्किंग से बच जाओगे आप, इतनी सारी वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी. ये पूरा स्टेप इतना पोर्शन स्किप कर सकते हो और डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, क्योंकि ओमेगा भी फिक्स है, ओमेगा पहले से ही फिक्स है, वन अपॉन रूट एल सी. सिर्फ ये डिसाइड करना होता है कि यहाँ पर कॉस आएगा या यहाँ पर साइन का फंक्शन आएगा, और वो बड़ा आसान है. टाइम टी इक्वल टू जीरो देखो, आराम से कर सकते हो उसको. एनीवे फिलहाल तो हमने सब्जेक्टिवली किया है, बट वैसे बता दिया आपको कि आगे के क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव भी कर सकते हो. तो आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, करंट की इक्वेशन आ गई. अब ऐसे ही आप चार्ज की इक्वेशन भी लिख लो. चार्ज की इक्वेशन भी देखो मैं कैसे लिखूंगा. किसी भी ऑसिलेशन की इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले आप उसकी मैक्सिमम वैल्यू पुट करते हो, तो यानी क्यू मैक्स.
एक बेसिक मेथड है ना ऑसिलेशंस में, पहले मैक्सिमम वैल्यू, अब या तो साइन या तो कॉस, बट चार्ज की वैल्यू टाइम टी इक्वल टू जीरो पर जीरो है, तो टाइम जीरो पर अगर चार्ज की वैल्यू जीरो है तो ये इंट्यूटिव है, बड़ा इंट्यूशंस लगा सकते हो आपकी, साइन का ही टर्म आएगा यहाँ पर और वन बाय रूट एल सी इंटू टी। और क्यू मैक्स तो हम लोग ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव मेथड से निकाल चुके हैं, पहले पार्ट में यही काम किया है, फर्स्ट पार्ट में क्यू मैक्स ही निकाला है आपने ऑब्जेक्टिव तरीके से। सो स्मॉल क्यू इज आई नॉट रूट एल सी एंड देन साइन, ये फर्स्ट पार्ट किया हुआ था। तुम में से जिसको भी समझ आ गया होगा ना, अगर आपको समझ आ गया जो मैं कहना चाह रहा हूँ, तो इक्वेशंस के लिए सब्जेक्टिव होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस मेरे मेथड को समझ जाओ तो इक्वेशंस भी ऑब्जेक्टिवली ही लिखी जा सकती हैं। अब ये आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप ही जानते होगे कि आप उधर कितने बेटर तरीके से इसको समझ रहे हो या सुन रहे हो, कि ये सब करने की जरूरत पड़ेगी नहीं अगर ये लॉजिक समझ लिया जाए कि कौन सा वेरिएबल मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट हुआ है और कौन सा वेरिएबल जीरो वैल्यू से स्टार्ट हुआ है। तो नहीं, सूरज पाई का फेज डिफरेंस तो आया ना, देखो यहाँ पर कॉस है यहाँ साइन है, तो पाई बाई टू का फेज डिफरेंस तो आ रहा है, करंट और चार्ज के बीच पाई अपॉन टू का फेज डिफरेंस तो दिख ही रहा है, यहाँ कॉस का टर्म है यहाँ साइन का टर्म है, इसी को तो पाई बाई टू का फेज डिफरेंस कह रहे हैं, वो आ रहा है। मतलब मैं तुम्हें सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव पेपर करने जाओगे आप, है ना, और टाइम का प्रॉब्लम है मान लो, तो कुछ ऐसा भी अप्रोच रखना चाहिए हम लोग को कि जहाँ पर एटलीस्ट आप आंसर के क्लोज पहुँच जाओ, ऑप्शन देख करके उनके ऑप्शंस के क्लोज पहुँच जाओ, तो कम से कम इतना तो गेस कर सकते हो ना कि कहाँ पर कॉस होगा और कहाँ पर साइन होगा। मैं कह रहा हूँ एग्जैक्ट कुछ ना है आपका, इतना तो एटलीस्ट गेस कर ही सकते हैं कि किसके इक्वेशन में कॉस आएगी और किसके इक्वेशन में साइन आएगा, इतना आप गेस कर सकते हो आराम से। और मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम चार्ज को एनर्जी वाले मेथड से आराम से निकाला जा सकता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकाला जा सकता है। और अगर ये भी नहीं काम कर रहा ना, फिर तो आपके पास आखिरी ऑप्शन बचता है, फिर तो लास्ट ऑप्शन ये बचता है कि अगर इतना इतना दिमाग नहीं काम करता मेरा, फिर तो ये पूरा सब्जेक्टिव अप्रोच लगाओ, लास्ट ऑप्शन वही बचता है हमारे पास। एनीवे, तो करंट और चार्ज आया, अब इन्होंने पूछा हुआ था कि एट व्हाट टाइम द एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इक्वल टू द एनर्जी ऑफ इंडक्टर, थर्ड पार्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इक्वल टू एनर्जी ऑफ इंडक्टर, ये कह रहे हैं कि ये कब होगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कैपेसिटर की एनर्जी निकालने के लिए क्यू स्क्वायर बाय टू सी और इंडक्टर की एनर्जी के लिए हाफ एल आई स्क्वायर। नाउ क्यू स्क्वायर यहां पर है तो आई नॉट रूट एल सी इंटू साइन ऑफ वन बाय रूट एल सी टी, ये पूरा क्यू हो गया। सो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस इक्वल टू एल अपॉन टू और आई स्क्वायर। तो ये पूरे का स्क्वायर, इसके आगे थोड़ा सा आप अपने आप सॉल्व कर लीजिएगा कि इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, एक्चुअली सब कैंसिल हो जाएगा अगर ध्यान देखोगे तो, ये एल बाई टू और आई नॉट और इधर से जो फैक्टर है ये सब कैंसिल कर जाएंगे, कुल मिला करके साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी ये बनेगा सिंप्लीफाई करके। तो मैं एक स्टेप लेके दे रहा हूँ, बाकी तुम लोग साइन स्क्वायर वन अपॉन रूट एल सी इंटू टी इक्वल टू कॉस स्क्वायर वन बाय रूट एल सी टी और इसके आगे आप ट्रिग्नोमेट्री से क्या आंसर बनेगा वो देख लीजिए। आप जस्ट का जनरल सोल्यूशन दोगे, मैं बता दूं आपको, आप ट्रिग्नोमेट्री में जब करोगे ना तो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं चाहिए, एक्चुअली यहाँ पर ये आएगा टेन ऑफ वन अपॉन रूट एल सी इंटू टी इक्वल टू प्लस माइनस वन। तो ट्रिग्नोमेट्री में टेन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस वन का जनरलाइज सोल्यूशन देना पड़ेगा तुम्हें, जो जनरल सोल्यूशन है कि एन वाले फॉर्म में आता है कि टेन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस वन है अगर, तो इसका एक जनरलाइज सोल्यूशन बनता है इन टर्म्स ऑफ एन, मतलब टाइम के मल्टीपल वैल्यूज मिलेंगे कुल मिलाकर के, एक वैल्यू नहीं आएगी, टाइम की कई सारी वैल्यूज आएंगी और वो आनी भी चाहिए क्योंकि ये एक पीरियोडिक फिनोमिना है और पीरियोडिक फिनोमिना है तो ये दोनों एनर्जी बार बार रिपीट होती रहेंगी, मतलब एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद ये बार बार इक्वल होते रहेंगे क्योंकि ये ऑसिलेशंस है, पीरियोडिक इवेंट है, हर एक चीज पीरियोडिकली रिपीट होगी, तो जो चीज पीरियोडिकली रिपीट होगी उसमें टाइम बार बार आएगा फॉर द सेम इवेंट यू सी इक्वल टू यूएल के लिए।
तो इसको करिएगा अपने आप, जनरल सोल्यूशन क्या आएगा इसका। और लास्ट पार्ट जो है इसका, ग्राफ प्लॉट करने को कहा है ना, तो ग्राफ आराम से प्लॉट कर सकते हैं, वो मैं नहीं कर रहा, स्किप कर रहा हूँ, मैं फोर्थ पार्ट स्किप कर रहा हूँ इसका। करंट का ग्राफ प्लॉट करना है, मतलब कॉस्ट का ग्राफ प्लॉट करना है आपको, और चार्ज का ग्राफ प्लॉट करने के लिए तुम्हें साइन फंक्शन का ग्राफ दिखाना पड़ेगा। तो साइन फंक्शन का ग्राफ बनाओ, वो चार्ज का ग्राफ हो जाएगा, कॉस्ट फंक्शन का ग्राफ बनाओ, करंट का ग्राफ हो जाएगा। तो ग्राफ मैं स्किप कर रहा हूँ जानबूझ करके, क्योंकि खुद मेहनत करो, कैसे ग्राफ बनेंगे अपने आप ट्राई करिए। तो इक्वेशंस वाला काम ना बहुत कम चांसेस है, मैं पहले बता दूं तुम्हें, हो तो इक्वेशंस ज्यादा नहीं पूछी जाती है। एक और एग्जांपल दिखाता हूं, ये है मान लो आपको, ठीक है, बैटरी है जिसका वोल्टेज वी है, कैपेसिटर, इंडक्टर और ये स्विच ओपन है, अभी स्विच ओपन है, कैपेसिटर में अनचार्ज है, क्यू जीरो है यहाँ पर, और इंडक्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, पहले से कोई करंट नहीं है, नो करंट, मतलब ये सारी इनिशियल कंडीशंस हैं, कोई करंट नहीं है इंडक्टर में, यहाँ पर कोई चार्ज भी नहीं है, और स्विच ओपन यानी कि ऑफ है, अभी सर्किट ऑन नहीं किया हमने, ओपन मीन्स ऑफ, ऑफ। नाउ पी इक्वल टू जीरो, स्विच क्लोज्ड, फाइंड पार्ट वन, मैक्सिमम चार्ज क्या होगा कैपेसिटर पे, एंड सेकंड पार्ट मैक्सिमम करंट इन द सर्किट वो कितनी होगी। दो चीजें पूछी जा रही हैं आपसे, मैक्सिमम चार्ज और मैक्सिमम करंट, ये दो चीजें ऑब्जेक्टिवली पूछ रहे हैं कि यहां पर कितना मैक्सिमम चार्ज आएगा और यहां पर कितना मैक्सिमम करंट आएगा। और जो लोग वाकई परफेक्शन चाहते हो, तुम में से जो लोग चाहते हो कि आपकी अच्छी रैंक आए या सिलेक्शन ही हो जाए, तो उनके लिए इसमें कुछ पार्ट्स और हैं, तो वो अपने आप ट्राई करेंगे। चार्ज और करंट का इक्वेशन भी आपको निकालना है, मैं डिस्कस नहीं करूंगा, पहले बता रहा हूं, तुम्हें अगर डिस्कस करना है तो सॉल्व करो, व्हाट्सएप करो, चेक करवाओ, इक्वेशन ऑफ चार्ज एंड टाइम टी और करंट एंड टाइम टी। तो ये तुम्हारे इंटरेस्ट के ऊपर है, अगर आपका मन करे सॉल्व करिए, चाहते हो डिस्कस करना तो भेज देना व्हाट्सएप करके, या फिर आराम से बैठो घर पे। ठीक है जी, क्या आंसर आएगा देखते हैं अब इसका। तो और ये मेरा मैसेज जो है ना, ये उनके लिए खास तौर पे एक मैसेज है, इनमें से भी कुछ लोग और उनकी पूरी लिस्ट तैयार हो चुकी है, पिछले 2-3 क्लासेस से वो ट्रेस आउट कर रहे हैं हम लोग। तुम्हें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनिशियल अटेंडेंस लगाते हो और इनिशियल अटेंडेंस लगाने के बाद, ठीक है, कहीं और गायब हो जाते हो, टेस्ट डिस्कशन में आप आओगे नहीं, है ना, और डाउट डिस्कशन में आप लोग आओगे नहीं, तो वो उन सबको ट्रेस आउट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्लास से वो सब एडमिट नहीं होंगे, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, तो ध्यान रखिएगा। अगर ये अगला जो डिस्कशन है मैग्नेटिज्म का, उस डिस्कशन में अगर आपकी अटेंडेंस नहीं है, तो आप उसके आगे के क्लासेस में मेरी साइड से तो अलाउ नहीं होगी, एडमिट ही नहीं होगे आप। पिछले 3 क्लासेस की अटेंडेंस रिकॉर्ड मैंने चेक कर रही है पूरी, और सबको ट्रेस किया जा रहा है, तो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, इसको देखो कैसे कर रहे हैं हम। और ऐसे कैंडिडेट्स के लिए मेरा एक और आज मैसेज है, बड़ा थोड़ा सा चाहे आपको अच्छा लगे चाहे खराब लगे, एक और मैसेज है कि मैं क्लास फ्रीक्वेंसी बढ़ाने जा रहा हूँ, फिर से वापस मैं क्लास फ्रीक्वेंसी बढ़ाने जा रहा हूँ, और मैं अपने हिसाब से अपनी टाइमिंग पे क्लास रखूंगा। आप कर पाते हो तो ठीक है, नहीं कर पाते हो अपनी प्रॉब्लम आप रिजॉल्व करें, राइट। मुझे नेक्स्ट मंथ के एंड में सिलेबस कंप्लीट करना है पूरा 12th, चलें।
इसमें हम ये कह रहे हैं कि अगर हम टी सेकेंड्स के बाद की बात करें, एट टाइम टी सेकेंड्स, लेट यहां से स्मॉल आई करंट जा रहा है टाइम टी पर, कैपेसिटर के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, इस वाले पर माइनस क्यू चार्ज, और वो स्मॉल आई करंट वाया इंडक्टर ऐसे फ्लो करेगा। सर्किट सॉल्व करने का प्राइमरी स्टेप किसी भी सर्किट को सॉल्व करने का, यहां पर नहीं, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट अगर आप सॉल्व करना चाहते हो कि वो उसमें सॉल्व हो जाए, तो स्टेप वन हमेशा आप लूप इक्वेशन को रखा करो। पहले स्टेप पर, सबसे पहला स्टेप, लूप इक्वेशन रेडी रखो आप। ये किसी भी सर्किट का प्राइमरी स्टेप है। कोई भी सर्किट सॉल्व करना हो आपको, आरएल सर्किट सॉल्व करना है, आरसी सर्किट सॉल्व करना है, एलसी सर्किट सॉल्व करना है, कोई भी सर्किट, पहला स्टेप लूप इक्वेशन। मतलब ये एक तरीके से कहते हैं ना, बेबी स्टेप, पहला स्टेप बेबी का यही होगा, उसके बाद ही आप चलना सीखोगे। तो ये लूप इक्वेशन अगर हम यहां बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा हमारे लिए, क्यू बाई सी प्लस एल डी आई ओवर डी टी एंड देन इक्वल टू कैपिटल वी। ये हो गए लूप इक्वेशन। दूसरा, अब वो न्यूमेरिकल वाइज, न्यूमेरिकल टू न्यूमेरिकल वेरी करेगा, बट पहला स्टेप तो सारे सर्किट्स में हमेशा ये आएगा ही, स्पेशली इस टाइप के सर्किट जो आर एल एल सी या फिर आर सी। स्टेप टू में आप एनर्जी वाला कंसेप्ट लगाओगे। एनर्जी वाला कंसेप्ट यहां पर कैसे लगाएंगे, देखो एनर्जी कंसेप्ट कि अगर इस कैपेसिटर में क्यू चार्ज है और जो कि बिगिनिंग में अनचार्ज था, कैपेसिटर बिगिनिंग में अनचार्ज है और यहां पर वो क्यू से चार्ज है, तो अनचार्ज से चार्ज क्यू आया, नेचुरल सी बात है कि ये सारा चार्ज इस कैपेसिटर से ही इस बैटरी से ही निकल के गया होगा। तो हम लोग एनर्जी पर किस तरीके से कंसेप्ट लगा रहे, देखिएगा एनर्जी वाला कंसेप्ट कैसे फॉलो कर रहा हूं। एनर्जी बैलेंस करेंगे, और एनर्जी बैलेंस आप इस तरीके से कर सकते हो कि जो कुछ भी वर्क बैटरी ने किया होगा वो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर में जाएगा और प्लस एनर्जी ऑफ इंडक्टर में जाएगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? इनिशियल लेवल पर, इनिशियल टाइम पर ना यहां पर कोई एनर्जी है, चार्ज जीरो है, ना यहां पर कोई एनर्जी है, करंट जीरो है। इन दोनों के पास इनिशियली कोई एनर्जी नहीं थी, और टी टाइम बाद इसके पास भी एनर्जी आ रहा है, इसके पास भी एनर्जी आ रहा, और सोर्स ऑफ एनर्जी ये बैटरी है। तो यहां पर जितना एनर्जी रिलीज किया जाएगा, एनर्जी रिलीज बाय द बैटरी, जिसको हम वर्क डन बाय बैटरी भी कहते हैं, वही वर्क इन दोनों में, कैपेसिटर की एनर्जी और इंडक्टर के एनर्जी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। वर्क बाय बैटरी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर से लेकर के और अब तक बार बार कहते आ रहे हैं, इट इज ऑलवेज चार्ज मल्टीप्लाइड बाय दिस पोटेंशियल डिफरेंस। एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इज क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ सी, एनर्जी ऑफ इंडक्टर हाफ एल आई स्क्वायर। ये दूसरी इक्वेशन होगी। अब इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इससे मेरा एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब कैसे होगा देखो, ये दो फंडामेंटल्स हैं और अब इससे कैसे सॉल्व होगा, इसकी तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एनर्जी वाले की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी हो सकता है देखने में आपको लग जाए कि ये चीज ठीक है लेकिन स्ट्राइक करता नहीं है। नॉर्मली स्टूडेंट्स को यहाँ पर स्ट्राइक नहीं करता हूँ यार, ये वर्क बाय बैटरी भी होगा और एनर्जी भी होगा। अब इसको सॉल्व करो, मैक्सिमम चार्ज निकालना है तो कैसे करेंगे, फर्स्ट पार्ट में क्यू मैक्सिमम कैसे आएगा देखो। तो क्यू मैक्सिमम अगर चाहिए ना मेरे को, तो क्यू मैक्सिमम में आप मैक्सिमा और मिनिमा की प्रॉपर्टी लगाओ कि अगर क्यू मैक्सिमम है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि डी क्यू बाई डी टी दैट मीन्स की करंट, डी क्यू बाई डी टी दैट मीन्स करंट आई जीरो हो गया, खत्म हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन में आई जीरो कर दो आप, इन द सेकंड इक्वेशन आई इक्वल टू जीरो, सेकंड इक्वेशन आई जीरो जो बचा उससे सॉल्व करके देखो क्यू मैक्स कितना आता है सेकंड इक्वेशन से। ये मैं कह रहा था कि ऑब्जेक्टिवली ही सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें, ऑब्जेक्टिव एक्चुअल में ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव हैं, लेकिन उनके लिए जिनको सही तरीका पता है, अदरवाइज सब्जेक्टिव है। फिर जिनको सही मेथड पता है उनके लिए ऑब्जेक्टिव है, जिसको सही मेथड नहीं मालूम है उसके लिए ये क्वेश्चन एक तो अनसॉल्वेबल होगा, सॉल्व ही नहीं कर पाएगा वो, और अगर करेगा भी तो सब्जेक्टिव मेथड से करेगा, और दोनों ही केसेस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में
लूजर ही है वो. सो आई जीरो यहाँ रखेंगे और उसके बाद ये क्यू वी इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई टू सी, इसके दो आंसर्स आएंगे. अगर आप प्रॉपर मैथमेटिक्स में चलोगे तो इसके दो आंसर आएंगे, एक जीरो आएगा और एक टू सी वी आएगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. हाफ एल आई स्क्वायर को जीरो करने के बाद भी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो एक आंसर इसका क्यू इक्वल टू जीरो है और एक आंसर क्यू इक्वल टू टू सी वी है. वो इसलिए कि एक्चुअली क्यू मिनिमम के टाइम पर भी यही होगा, मिनिमम चार्ज भी यही होगा ना. मैक्सिमम और मिनिमम दोनों के टाइम पर डी आई बाई डी क्यू बाई डी टी जीरो होगा. यानी टू सी वी एक तरीके से मैक्सिमम चार्ज को डिफाइन कर रहा है और जीरो जो है वो उसके मिनिमम चार्ज को डिफाइन कर रहा है. दैट मीन्स कि इस प्लेट पर, सुनना ध्यान से, अब कैपेसिटर के लेफ्ट प्लेट का जो चार्ज स्मॉल क्यू है, इसकी मिनिमम वैल्यू है जीरो और मैक्सिमम वैल्यू टू सी वी. मतलब यहां पर पोलैरिटी में कोई चेंज नहीं आने वाला, ये प्लेट हमेशा पॉजिटिवली चार्ज रहेगी और ये वाली प्लेट हमेशा नेगेटिवली चार्ज रहेगी. रीजन स्मॉल क्यू की जो रेंज आ रही है, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, उस रेंज के अंदर सारी वैल्यूज पॉजिटिव है. स्मॉल क्यू की जो रेंज है उसके अंदर सारी वैल्यूज पॉजिटिव आई है, कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं मिल रही आपको यहाँ पर. एंड दैट मीन्स इस केस में कैपेसिटर का चार्ज टाइम के साथ वैरी जरूर करेगा. यहाँ पर चार्ज टाइम के साथ वेरिएबल होगा, मतलब जीरो से स्टार्ट करेगा और मैक्सिमम टू सी वी तक जाएगा, लेकिन माइनस में कभी नहीं जाएगा. जिसका मतलब यह है कि अगर हम इसको ग्राफ के ऊपर बिना इक्वेशंस के देखना चाहें कि कैसा ग्राफ होना चाहिए, तो क्यू के मिनिमम वैल्यू जीरो है और मैक्सिमम वैल्यू टू सी वी है. और ये अब आपको पता होना चाहिए कि ये ऑसिलेशंस होती हैं. एलसी सर्किट है तो ऑसिलेशन उसका फंडामेंटल नेचर है, ये कोई बताने नहीं आएगा बार बार आपको. एलसी मतलब ऑसिलेशन, तो ऑसिलेशंस हैं तो ग्राफ ऑसिलेटिंग ही बनेंगे. जीरो से टू सी वी तक जाएंगे, टू सी वी से फिर जीरो जाएंगे, फिर यहां पर आएंगे, फिर यहां पर आएंगे, फिर यहां पर आएंगे, ऐसे करके इस तरीके से. मतलब क्यू कभी माइनस में नहीं जाएगा, कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं जाएगी क्यू की. और सेकंड पार्ट मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट निकालने के लिए जब मुझे आई मैक्स करना होगा तो ये कैसे निकालेंगे? तो यहां पर एक और चीज है फिर मैक्सिमम मिनिमा, कि अगर आई मैक्सिमम है इसका मतलब तो डी आई बाई डी टी जीरो है, और डी आई बाई डी टी अगर जीरो हो गया तो फर्स्ट इक्वेशन जो लूप इक्वेशन है हमारी, फर्स्ट इक्वेशन, वहां से हम डी आई बाई डी टी को जीरो करेंगे. बिकॉज जब आई मैक्सिमम हो गया तो डी आई बाई डी टी जीरो हो गया, ये टर्म जीरो हो गया, और इसके जीरो होने से हमको करस्पॉन्डिंग क्यू मिल जाएगा, यानी क्यू इक्वल टू सी वी. यानी कि मैक्सिमम करंट उस मोमेंट पर आएगा जिस मोमेंट पर चार्ज की वैल्यू सी वी के बराबर है, क्यू इक्वल टू सी वी है फर्स्ट इक्वेशन से, लूप इक्वेशन से. अब हम इस क्यू इक्वल टू सी वी को सेकेंड इक्वेशन के अंदर लेके जाएंगे, क्यू इक्वल टू सेकेंड में. तो मतलब इन इक्वेशन टू के अंदर जाओ, तो इन इक्वेशन टू में जब जाएंगे तो यहां पर लेफ्ट साइड सी वी इंटू वी, राइट साइड सी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू टाइम्स सी, और प्लस हाफ एल आई मैक्स स्क्वायर. इससे सॉल्व करेंगे आप, इसको सॉल्व करेंगे अब, इसका जो भी आंसर बन जाए, जो भी मतलब सिंप्लीफाई करके तुमको आई मैक्स इस इक्वेशन से मिल जाए वो देख लो कि इसके थ्रू क्या आई मैक्स मिलेगा. सिंप्लीफाई हो जाएगा, आराम से सिंप्लीफाई हो जाएगा, और इससे आई मैक्सिमम मिल जाएगा कि मैक्सिमम करंट सर्किट में कितना फ्लो करेगा. इनफैक्ट इसके भी दो आंसर्स आएंगे, ध्यान देना, इसके भी दो आंसर्स आएंगे, क्योंकि ये भी स्क्वायर है यहाँ पर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्योंकि आई मैक्सिमम पर भी यही चीज होगी और आई मिनिमम पर भी यही चीज होगी, आई मैक्सिमम और आई मिनिमम दोनों के टाइम पर यही चीज होगी. तो यहां से भी तुम्हें दो आंसर्स आएंगे, अब इसको वेरीफाई करो क्या बनता है और आंसर बताइएगा इसको.
इसको सॉल्व करके और आई की वैल्यू चेक कर लो क्या बनती है, और उसके हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है तो एक्चुअली एक मैक्सिमम वैल्यू को डिफाइन कर देगा और एक उसकी मिनिमम वैल्यू को डिफाइन करेगा, ये ध्यान देना। एक चीज मैक्सिमम वैल्यू होगी और एक चीज मिनिमम वैल्यू बन जाएगी। हाँ विनायक ठीक है, तो ये तरीका देखो, क्योंकि ये मैं फिर बोल रहा हूँ अभी अभी मोबाइल पर देखने में और लैपटॉप पर देखने में सब कुछ आसान लगता है, टेस्ट डिस्कशन के बाद भी सब कुछ आसान लगता है मुझे, तब लगता है कि क्वेश्चंस काफी आसान है। और यही मैग्नेटिज्म, हाँ जी दिव्यांशी बिल्कुल सही, यही यही मैग्नेटिज्म का टेस्ट जब हुआ था तो आप लोग का कहना था कि डिफिकल्ट है, टेस्ट डिस्कशन के बाद रियलाइज हुआ कि यार डिफिकल्ट तो है नहीं। सेम चीज यहाँ पर होगी, अभी आप सुनते हो ना तो सुनने के टाइम पर तो सबको अच्छा लगता है कि यार ये बड़ा आसान है, ठीक है हम भी कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी, हाँ जी फिर इसमें ऐसी कोई बड़ी बात तो है नहीं जो बताई जा रही है। लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो आपको यही दो स्टेप नहीं समझ में आएंगे, आगे की तो बात बाद में करोगे, आपको स्ट्राइक ही नहीं करता, क्योंकि ये प्रैक्टिस का पार्ट है ना, ये कोई फॉर्मूला तो है नहीं कि कहीं लिख दिया जाए और आपको याद हो जाए। अरे आपके अगर माइंड में स्ट्राइक कर रहा है एनर्जी बैलेंस तो कर ले जाओगे, नहीं स्ट्राइक कर रहा तो कोई बताने वाला नहीं है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, सॉल्विंग पार्ट तो ठीक है उसका, मैं तो सिर्फ केतन साहब आज आंसर दे रहे हो, शाबाश ठीक है जी सर, केतन्स ठीक है। मैं तुमको एडवाइस कर रहा हूँ कि इतनी जो मेहनत की जा रही है तुम लोग के साथ और तुम लोग भी कर रहे हो, उसको क्यों खराब करने पर लगे हो भाई। आप ये मान के चलिए कि आपको पूरी प्रिपरेशन अपनी ऑनलाइन मोड में ही करनी है, ये मान के चलिए, और सिर्फ तुम ही नहीं कर रहे हो, तुम्हारे कंप्यूटर भी कर रहे हैं। तो जब तुम्हारे कंप्यूटर भी उसी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, आप भी उसी तरीके से तैयारी कर रहे हो, तो इसी के अंदर बेस्ट हो जाओ, नंबर वन हो जाओ। जी अच्छा ठीक है, एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, एक और क्वेश्चन देखूं, एक और क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैंने, ये है क्वेश्चन, मान लो एक कैपेसिटेंस सी लगा है यहाँ, टू सी, और एक ये इंडक्टेंस, ओके, और सर्किट मैंने ऑलरेडी क्लोज किया है, मतलब दिस इज एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, कंडीशंस स्पेसिफाई कर दें। अच्छा मैं तो तुम लोग को कंडीशन बता रहा हूँ, तुम लोग अपने एंड पर क्या करते हो, क्वेश्चन पढ़ते वक्त इन कंडीशंस को क्वेश्चन में देखते ही नहीं हो, क्वेश्चन में तुम सीधे आंसर के पीछे भागते हो कि भाई मुझे आंसर कहीं से मिल जाए। जिस चैप्टर को तुम इस टाइम पर पढ़ रहे हो, ईएमआई चैप्टर, मैंने पहले भी कहा था कि ईएमआई चैप्टर 12th क्लास का और 11th का रोटेशनल मैकेनिक्स, ये एक दो ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पर आपकी हालत बिल्कुल खराब हो जाती है और मतलब डिफिकल्टी लेवल एकदम एक्सट्रीम हो जाता है, और इस टाइम पर अगर रिवीजन नहीं कर रहे हैं आप, इस टाइम पर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो इन चैप्टर्स में वापस नहीं आ पाओगे। लिख लो आप, ये चैप्टर एक बार हाथ से निकल गए फिर वापस नहीं हो सकते। स्पॉयल ना करिए इसको, इतनी मेहनत जो की जा रही है, खुद भी बैठ रहे हो दो दो घंटे आप स्क्रीन पर बैठ रहे हो, चार चार घंटे, बॉडी भी खराब कर रहे हो, और क्या फायदा हो रहा है रिजल्ट का फिर। चलिए इस कैपेसिटर में प्लस क्यू नॉट और माइनस क्यू नॉट का चार्ज है, और दूसरा वाला कैपेसिटर अनचार्ज है, एक चार्ज है एक अनचार्ज है, और इंडक्टर में इस टाइम पर कोई करेंट नहीं है, नो करेंट, ठीक है। क्वेश्चंस है सेम चीज, फाइंड पार्ट वन मैक्सिमम करंट क्या होगा, ऑब्वियसली सर्किट के अंदर ही, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, सर्किट में ही पूछेंगे, और दूसरा मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर 2C कितना होगा, मतलब ये जो अनचार्ज है ये मैक्सिमम कितना चार्ज हो सकता है और यहाँ मैक्सिमम कितनी करंट आ सकती है। एक और बात आज कहेंगे तुमसे यार, थोड़ा सा मेरा मतलब आप लोग बार बार पूछोगे कि सर इसकी प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो जितना एलसी सर्किट तुम्हारे एग्जांपल करा दिए है ना, अगर तुम इतने को ही प्रैक्टिस कर लो, जितने मैंने एग्जांपल करा दिए इन्हीं की प्रैक्टिस कर लो,
तो भी तुम जेई मेन एडवांस दोनों क्वालिफाई कर जाओगे। मैं तुम पहली बार पढ़ रहे हो ना, मैं पहली बार पढ़ा थोड़ी रहा हूं, और इतने सालों से यही एग्जांपल कराने के बाद क्वेश्चंस हो जाते हैं लोगों से। तो ये तरीका इसका जो क्या है, एक जनरलाइज मोमेंट पे आते हैं। जनरलाइज मोमेंट पर क्या करेंगे, ये कुछ चीजें देखो, कुछ चीजें ना थोड़ी सी आपको एप्टीट्यूड डेवलप करना होता है। वो ये कि इन सर्किट्स, जैसे यहाँ बैटरी नहीं है, तो जब बैटरी नहीं है तो एक कॉमन सेंस आपका ये कहता है यार कि ये कैपेसिटर और ज्यादा चार्ज नहीं हो पाएगा ये तो। बट ऑब्वियस है कि अगर बिना बैटरी का सर्किट है तो ये जो कैपेसिटर जिसमें पहले से चार्ज था, ये डिस्चार्जिंग मोड में चला जाएगा, और जब ये डिस्चार्ज होगा तो करंट इसकी पॉजिटिव प्लेट से बाहर की तरफ आएगा। मतलब ये कुछ चीजें थोड़ी ऑब्जर्वेशन वाली हैं और समझने वाली हैं कि करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरफ होनी चाहिए, और ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा होगा तो इसका चार्ज हम कुछ मान लेंगे, और ये करंट जब इधर से फ्लो करके जाएगा ऐसे, तो 2C वाला कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा, तो 2C वाले कैपेसिटर पे हम प्लस क्यू और माइनस क्यू का चार्ज मान लेते हैं, और C वाले कैपेसिटर पे हम कुछ माइनस क्यू डैश और प्लस क्यू डैश का चार्ज मान लेते हैं। अब आप फंडामेंटल इक्वेशंस लगा के देखो इसमें क्या होंगी। फंडामेंटल इक्वेशंस नंबर 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक का कंसेप्ट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंसेप्ट ये कहता है कि कैपेसिटर सी की राइट वाली प्लेट और कैपेसिटर 2C की जो लेफ्ट वाली प्लेट है, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम का फॉर्म है। इन दोनों प्लेट को मिला दिया जाए तो ये एक आइसोलेटेड प्लेट है, आइसोलेटेड सिस्टम है, और क्योंकि ये आइसोलेटेड सिस्टम है तो इसका टोटल चार्ज कंजर्व होना चाहिए। आइसोलेटेड सिस्टम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो होना चाहिए यहाँ पर, और चार्ज कंजर्वेशन अगर इस प्लेट पर लगाएं, देख लो डिफिकल्टी लेवल क्यों बढ़ता है, क्योंकि अब आपका पुराना कंसेप्ट कैपेसिटर चैप्टर का यूज हो गया, वो भी ऑल ऑफ सडन, बता करके नहीं आ रहा कोई, पहले से आपको इनविटेशन दे करके नहीं आएगा कि मैं आने वाला हूँ इस क्वेश्चन में। तो ये जो सिस्टम है इसका चार्ज कंजर्व करेंगे, तो इनिशियल चार्ज देखो यहाँ पर कितना है, इनिशियल चार्ज माइनस क्यू नॉट और 0, और अब यहाँ पर कितना चार्ज है, तो सात्विक एक मिनट बच्चा रुक जाओ, प्लस क्यू डैश और माइनस क्यू, प्लस क्यू डैश और माइनस क्यू, ये एक हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। ठीक है, अब देख लो हर न्यूमेरिकल में एक नया पॉइंट सामने आ जा रहा है, तो इसका तरीका ही यही है। सेकंड एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई बैटरी नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो एनर्जी कंजर्वेशन, उसके हिसाब से इस कैपेसिटर में जो चार्ज था उसकी एनर्जी, यानी कि क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C इनिशियल एनर्जी, और बाकी इस वाले कैपेसिटर में कोई एनर्जी नहीं है, इंडक्टर में कोई एनर्जी नहीं है, इक्वल टू नाउ कैपेसिटर सी में एक एनर्जी हो जाएगी जो कि क्यू डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C, बगल वाले कैपेसिटर में क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ 2C, कैपेसिटेंस उसकी डबल है, और प्लस इंडक्टर में हाफ एल आई स्क्वायर, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन यहाँ पर वो लूप वाली, ये 3 वेरिएबल्स हैं, 3 इक्वेशंस कम से कम चाहिए। लूप इक्वेशंस के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग करंट के साथ साथ चलते हैं, करंट के साथ साथ ऐसे लूप लेंगे एंटी क्लॉकवाइज, करंट के साथ साथ चलते हुए एंटी क्लॉकवाइज लूप लेंगे, तो ये बनेगा एल इंटू डीआई बाई डीटी प्लस क्यू बाय 2 टाइम्स कैपिटल सी और प्लस क्यू डैश डिवाइडेड बाय सी इक्वल टू 0, ये हो गए थर्ड इक्वेशन। तो हमारा इक्वेशंस कंप्लीट हो गए, इक्वेशन मेकिंग वाला पार्ट हो गया, इक्वेशन जो बननी थी वो हो गई, अब रहा सॉल्व करने का पार्ट। देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तब भी तुमको ये 3 स्टेप लिखने पड़ेंगे, और ऑब्जेक्टिव होगा तब भी तुम्हें ये 3 स्टेप लिखने पड़ेंगे, मतलब इन 3 स्टेप को यूज किए बगैर तो आप इस क्वेश्चन में वैसे भी कुछ नहीं कर पाओगे। जस्ट लाइक मैकेनिक्स है, फ्री बॉडी डायग्राम के बगैर आप क्वेश्चन वैसे भी नहीं कर सकते,
तो सर्किट का क्वेश्चन करने के लिए अगर आपने लूप इक्वेशन ही नहीं लिखी तो भूल जाओ कि आपसे क्वेश्चन होगा. इट इज जस्ट लाइक फ्री बॉडी डायग्राम. मैकेनिक्स में फ्री बॉडी डायग्राम की इंपॉर्टेंस, सर्किट्स में किरचॉफ के लूप इक्वेशन की इंपॉर्टेंस, प्लस एडिशनल कंसेप्ट्स, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करते हैं, एनर्जी और चार्ज कंजर्वेशन वगैरह चीजें. ये यहीं से तो फिर अब सेलेक्ट होने वाले और नॉट सेलेक्शन वाले में डिफरेंस पैदा होगा कि कुछ सेलेक्ट होंगे कुछ नहीं होंगे. आगे का पार्ट करते हैं भाई. मैक्सिमम करंट निकालना है, मैक्सिमम चार्ज निकालना है तो देख लीजिए. क्यू मैक्स निकालना है अगर, तो इसका मतलब कि डी क्यू बाई डी टी दैट मीन्स करंट स्मॉल आई जीरो कर देंगे. बाकी वर्किंग करो, स्मॉल आई जीरो कर दो सेकंड इक्वेशन में. तो सेकंड इक्वेशन में स्मॉल आई को जीरो करेंगे तो एक ये इक्वेशन बन जाएगी और एक इक्वेशन आपकी यहां पर है. अब इन दोनों को सॉल्व करके क्यू निकालना है तुम्हें. तो वेट कर रहे हैं, अपना आंसर बताइएगा क्या आएगा. कोई अगर अपना आंसर देना चाहे तो अपना आंसर दे सकते हो. स्मॉल आई जीरो करना है यहाँ पर तो एक ये इक्वेशन बन जाएगी और एक और यहाँ पर है इक्वेशन. तो क्यू डैश की वैल्यू यहाँ से रखोगे इसके अंदर, क्यू डैश की वैल्यू इसके अंदर ले जाओ और क्यू डैश यहाँ सब्स्टिट्यूट करके और स्मॉल क्यू के बारे में बताओ क्या आंसर आएगा. अगर बोल सकते हो और म्यूट करके अपना आंसर भी दे सकते हो, लिखना चाहो मैसेज करना चाहो मैसेज कर सकते हो, बट आंसर क्या आएगा वो बताइए. क्यू की मैक्सिमम वैल्यू क्या, जिसने अगर सॉल्व कर लिया सॉल्व करके टाइप कर सकते हो, बोलना चाहते हो बोल दो, है ना. सर क्यू नॉट आ रहा है, क्यू नॉट नहीं आएगा यार, 4Q0/3 आ रहा है. क्यू नॉट स्मॉल, ध्यान से करो मैं फिर बोल रहा हूँ यहाँ पर. ये लेफ्ट साइड माइनस क्यू नॉट है, प्लस माइनस का साइन ध्यान से देखो. Q डैश की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है. सर 2Q0/3, 2Q0/3. अच्छा दो आंसर आएंगे मैं बता दूं. एक्चुअली देखो फिर से क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक है तो एक आंसर तो जीरो आना चाहिए मेरे ख्याल से. देखो एक आंसर आपका वहां पर जीरो आएगा और एक आंसर 4Q0/3 आएगा. 4Q0/3 एक बार चेक करना. 2Q0/3 तो नहीं आएगा. सर 2Q0/3 आ रहा है. तो मिनिमम जीरो हो गया और मैक्सिमम हो गया. मिनिमम मैक्सिमम आएंगे हमेशा इसमें. एक चीज देखो, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं पढ़ रहे हो आप, लेकिन सिर्फ और क्या चाहिए आपको, एक कंसंट्रेशन चाहिए और कैलकुलस पर तो वैसे भी, सॉरी कैलकुलेशंस पर बहुत ध्यान देना है. तो एक आंसर आपका आ गया पहला पार्ट, ये मैक्सिमम चार्ज आ गया 4Q0/2C का मैक्सिमम चार्ज. अब मैक्सिमम करंट निकालना है तो आई मैक्सिमम के लिए डी आई बाई डी टी जीरो करोगे. सर Q0/√2/3LC. Q0/√2/3LC ये एल सी डिनोमिनेटर में है कि न्यूमिनेटर में है? सर डिनोमिनेटर. ठीक है ठीक है. ये इसके लिए क्या करना पड़ेगा तुमको, डी आई बाई डी टी जीरो करेंगे तो थर्ड इक्वेशन जो होगी ना, एक्चुअली थर्ड इक्वेशन में आप डी आई बाई डी टी को जीरो कर दोगे तो तुमको यहाँ पर क्यू और क्यू डैश की इक्वेशन मिल जाएगी. थर्ड इक्वेशन में डी आई बाई डी टी जीरो कर दीजिए तो क्यू और क्यू डैश की एक रिलेशन बन जाएगा, क्यू और क्यू डैश का रिलेशन थर्ड इक्वेशन से, और क्यू और क्यू डैश का एक रिलेशन फर्स्ट इक्वेशन में भी है. तो इन दोनों से तुमको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके Q निकालना पड़ेगा और Q डैश निकालना पड़ेगा, है ना. Q और Q डैश मैं बता देता हूँ, Q जो आएगा वो 2Q0/3 आएगा. सॉल्व करके देख लेना Q की वैल्यू 2Q0/3 आएगी. सर Q डैश आएगा -2Q0/3 आएगा. देखो एक बार तो जरा. तो -Q0/3 होगा. हाँ मैं फिर बोल रहा हूँ एक बार क्या करना है, मैं सही बता दे रहा हूँ. डी आई बाई डी टी को जीरो, डी आई बाई डी टी जीरो करोगे तो थर्ड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन से क्यू और क्यू डैश मिलेंगे. और अब इन वैल्यूज को सेकंड वाली इक्वेशन में रखोगे तो पुट इन द सेकंड इक्वेशन. हालांकि अब ये सब चीजें हम लोग के बताने लायक नहीं होती है कि इक्वेशन सॉल्व कैसे करना है ना. अगर 12th क्लास में आकर के भी इक्वेशन सॉल्व करना बताना पड़े ना यार. तो
अभी Q और Q डैश अब यहाँ रखेंगे, Q की वैल्यू और Q डैश की वैल्यू, और फिर आपको I मैक्सिमम मिलेगा। तो एक आंसर अभी किसी ने दिया था, मेरे ख्याल से वो आंसर सही लग रहा था, Q नॉट स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 LC, यही दिया था ना आपने आंसर भी, मेरे ख्याल से ये सही था। यस सर। श्योर है, कंफर्म हो ना आप? यस सर। ठीक है, ये मैक्सिमम। ठीक है सचिन, इतना ही है एलसी सर्किट्स में। एलसी सर्किट में मतलब ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई बम गिरा दिया जाएगा एग्जाम टाइम पे जाकर के, वो आपसे कोई लड़ाई करने के लिए नहीं बैठा एग्जाम में कि नहीं आने दो आज इसको हम मार डालेंगे, ये सब थोड़ी हो रहा है। वहां पर आपको बेसिक कंसेप्ट चेक किए जा रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट एनर्जी कंजर्वेशन है, लूप इक्वेशन है, और थोड़ा सा मैक्सिमम मिनिमा की प्रॉपर्टी है, मैथ वाला पोर्शन। तो ये इतना तो आप चेक करेगा, कोई भी चेक करेगा भाई, इससे लो लेवल एग्जाम क्या कराए हम लोग, या कोई भी क्या पूछेगा। ठीक है, अब हम कहते हैं कि नहीं ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो कहाँ क्या चीज इसमें ऐसी है जो डिफिकल्ट है, मतलब क्या चार्ज कंजर्वेशन डिफिकल्ट है, या एनर्जी कंजर्वेशन डिफिकल्ट है, या लूप इक्वेशन डिफिकल्ट है, कौन सा स्टेप ऐसा है जो डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट क्या है? इन सबको एक साथ प्रेजेंट करके सॉल्व करना, वो डिफिकल्ट है। समझ गया? तो ये एलसी सर्किट के मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, और भी क्वेश्चंस तो हैं मतलब, लेकिन अब एग्जांपल्स की एक लिमिट है कि 3-4-5 एग्जांपल कराने के बाद अब आप प्रैक्टिस अपने आप करेंगे। तो पिछले क्लास में मैंने आरएल सर्किट्स लिए थे, अभी फिलहाल एलसी सर्किट्स, आरएल और एलसी ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। और इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था आरसी सर्किट, तीन सर्किट्स पढ़ चुके हो आप। आरसी मैं बता रहा हूँ, इनकी एक इम्पॉर्टेंस है। और अब मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट होगा, और रिक्वेस्ट का एडवाइस है कि तुम इन तीनों के जो कॉन्सेप्ट्स है ना, उनको एक साथ कहीं पर लिख लो, नोट्स बना लो इनके प्रैक्टिस करने के लिए। आरसी, आरएल और एलसी, मेरा ये कहने का मतलब है इन तीनों सर्किट के आप बेसिक जो प्रॉपर्टीज हैं और इक्वेशंस हैं उनके एक शॉर्ट नोट्स बना लो, तो आपका ये तीन सेगमेंट काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स में आते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ आपसे। तो और एक साथ इनके तीनों के नोट्स आ जाएंगे, क्योंकि तीनों में काफी कुछ कॉमन है, तीनों में काफी कुछ कॉमन है। फर्स्ट टू में आप सबको पता है कि फर्स्ट टू में एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आती है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस है ना, और इसमें भी, और एलसी वाले में हम सबको पता है कि साइन या कॉस की इक्वेशंस आती है। मतलब एक स्मार्ट तरीके से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये नहीं कि आप सब रटने बैठ गए हो सबको याद करना पड़े, नहीं भाई, प्रैक्टिस करने का मतलब ऑब्जर्वेशन होता है। प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं कि 20 क्वेश्चन लगाए और ऑब्जर्व कुछ भी नहीं किया उसमें से, तो ऐसी प्रैक्टिस किसी काम की नहीं है। अरे तुम 10 क्वेश्चन लगाओ, उन 10 को लगाने के बाद ऑब्जर्व करो कि क्या चीज कॉमन चल रही है इसमें, तो तुम्हें अपने आप लगने लगेगा नहीं आसान टॉपिक है ये, इजी टॉपिक। आप प्रैक्टिस को क्या मानते हो? क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन हो गए, मेरा हो गया, मेरा काम पूरा हो गया। ठीक है, चलिए तो 5 मिनट्स ब्रेक लेंगे, है ना, 5 मिनट्स ब्रेक पे आओ, नया टॉपिक है, एलसी कंप्लीट हो गया, 5:20 पर आ जाना, 5:20।